स्टार प्लस पर शुरू हुआ नया शो इमली अब धीरे धीरे काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि इमली की शादी हो गई है आदित्य से, जो सिर्फ आदित्य ही जानता है उसके घर में। इमली को यहाँ साथ लेके आया है और बताया है कि ये काम के सिलसिले में यहाँ आई है, घर का काम काज करेगी, नौकरानी है। और वहीं दूसरी तरफ आज यहाँ पर आ जाती है मालिनी। मालिनी और इमली की आमना सामना होता है और मालिनी को शक होता है इमली को देख कर कि आदित्य भला ऐसे ही किसी लड़की को गाँव से लेके कैसे आ जाएगा। उसे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो ही रही थी। खैर, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य पूरी कोशिश करता है कि वो मालिनी को सारा सच बता देगा कि उसकी और इमली की किस कंडीशन में शादी हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, लोगों ने ज़बरदस्ती किया, और ये सारी चीज़ें वो मालिनी को बताना चाहता है। लेकिन आदित्य मालिनी को मिलते ही बता नहीं पाता, क्योंकि मालिनी यहाँ पर एक और ही कहानी बता देती है कि कोई और लड़का था जो अपने काम के सिलसिले में गांव गया था, लेकिन वहाँ को उसे दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। ये सारी चीज़ें सोच सोच के मालिनी कहती है मैं बहुत परेशान थी कि कहीं आप और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ना हो जाए। मालिनी रोने भी लगती है। ऐसे में आदित्य को हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने और इमली के बारे में बता सके। खैर, इमली को उसने समझा दिया है कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो और तुम सिर्फ यहाँ चुपचाप नौकरानी बन के रहो। इमली यहाँ सबका दिल तो जीत लेती है। यहाँ पर बहुत फनी सा आज एक इंसिडेंट होता है। यहाँ पर टेबल साफ करने को कहते हैं तो वो झाड़ू वाड़ू लेके पानी वानी बाल्टी का डाल के पूरे घर में पानी फैला देती है, और साथ ही यहाँ पर आदित्य के फ़ोन पर भी पानी डाल देती है। उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है। आदित्य इस बात से इमली पर बहुत चिल्लाता है और नाराज़ होता है। ऐसे में आदित्य की माँ को लगता है कि इमली की गलती नहीं थी, उसे जानबूझ के नहीं किया। वो उसे खीर बना के देती है कि तुम आदित्य के सामने ले जाओ, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। पहले तो इमली मना करती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद बाबूजी की माफ़ी के लिए उसे ये करना चाहिए। वो जाती है और आदित्य फिर उसे यहाँ से बहसबाजी करके पूरी खीर गिरा देता है। इमली बहुत रोती है, और आज के एपिसोड में सबसे खास बात ये भी होने वाली है कि इमली अपनी माँ को फ़ोन करती है, डाक बाबू के पास फ़ोन करती है जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर, और वहाँ डाक बाबू से कहती है कि हमारी अम्मी को बुला देंगे, हमारी माई को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इमली की माई इमली से बात करती, पूछती है तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हारा स्वागत कैसे किए, बहुत सारी चीज़ें। इमली यहाँ सब कुछ झूठ बोलती है और अपनी माँ से कहती है मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आदित्य बाबू भी बहुत अच्छे हैं, सब ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे पता है कि अगर वो ऐसा नहीं बोलेगी तो उसकी माँ बहुत रोएगी। खैर, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि आज मालिनी की मुलाकात इमली से होती है, और मालिनी यहाँ पर बहुत सारे सवाल करने वाली है आदित्य से कि ये इमली को तुम यहाँ पर क्यों लाए हो। अब आदित्य क्या अब सच बताएगा मालिनी को?